My last video was an appeal to the non-resident Indian population of United States of America that wake up or lose out. मुझे बहुत खुशी है वो वीडियो बहुत जगह पहुंचा दुनिया में, अमेरिका में हर जगह पहुंचा, गल्फ में पहुंचा, यूके में पहुंचा। मैंने सिर्फ अपील करी है कि लेट्स बिहेव लाइक इंडियंस, नहीं तो फिर अपना जो एक टैग होता है NRI का जिसको कहते हैं नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस, वो एंडोर्स हो जाएगा। आज तक तो उसको मजाक समझते थे मगर वो फिर एंडोर्स हो जाएगा कि वाकई में आप और हम नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस हैं। इट्स नॉट अबाउट BJP, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स अबाउट आवर नेशन जिसको अपन बोलते हैं भारत माता। बहुत सारे कुछ यहाँ पे US के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोग अपील कर रहे हैं टू द पीपल इन इंडिया दैट द ओनली वे टू प्रोग्रेस इज पीस बिटवीन कम्युनिटीज। यू नो देयर इज अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप, वो पूरा पॉलिटिकल ट्रैप है जिसके अंदर हरदम इंडिया कभी ना कभी हर 20-25-50 साल में एक बार आ जाता है पॉलिटिकल ट्रैप्स में। अंग्रेजों के जमाने में भी होता था, उससे पहले भी होता था, बिकॉज द रीजन इज दैट द यूथ ऑफ इंडिया इज नॉट एंगेज इन समथिंग कंस्ट्रक्टिव विच कैन हेल्प इंडिया एट लार्ज। यू नो दैट्स द मेन प्रॉब्लम अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं जितने भी NRI पॉपुलेशन है, क्या अपने बच्चे ऐसे तोड़फोड़ करते हैं, क्या अपने बच्चे मारपीट करते हैं ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, कभी सुना है, कभी आपने देखा है अपने बच्चों को? नहीं देखा है। यू नो वो सब साथ रहते हैं, यू नो इन द कॉलेजेस, यू गो टू एनी कॉलेज, यू नो दे आर ऑल टुगेदर, यू गो टू UCLA, यू गो टू Purdue, यू गो टू Yale, यू गो टू NYU, यू गो टू UTD, UT Austin, एनीवेयर। यहाँ तक कि इंडियन एंड पाकिस्तानी के बच्चे यहाँ पे साथ रहते हैं, लीव असाइड कि इंडियन मुस्लिम एंड इंडियन हिंदूज, यू नो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मगर जितनी भी राइट विंग आइडियोलॉजी आप लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, दैट्स गोइंग टू हार्म आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर, यू नो दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही लिबरल सोसाइटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आप लोगों के भी बच्चे हैं जो कि इसके मुस्लिम्स के दोस्त होंगे, जो भी इसके मुस्लिम्स हैं हिंदू वो भी हिंदूज के दोस्त होंगे, ऐसा है नहीं। तो ये एक जहर है जो धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएगा अमेरिका में, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आज की तारीख में इमिग्रेंट पॉपुलेशन देखा जाए तो फास्टेस्ट इंक्रीजिंग जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो इंडिया की है। यहाँ पे मैंने एक बार और कहा था आप लोगों को, अगर इतना ज्यादा है कि अच्छे दिन आ गए हैं तो अपने बच्चों को इंडिया भेज दीजिए, वहां के कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। अगर अच्छे दिन आ गए हैं, अगर एक भी कॉलेज ऐसा हो जो अमेरिका के टक्कर का हो तो वहां पर एडमिशन करा दीजिए। जितने भी हाउडी मूवमेंट में गए थे, जो भी उसके जलसे में गए थे, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे भारत माता की जय, मुझे लगता है कि आप लोग भारत माता को भी धोखा दे रहे हैं ये कह के, और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिवाली होली बनाने से आप कोई हो नहीं जाते इंडियन। नो, यू नीड टू बी कनेक्टेड विद द रूट्स, और रूट्स एक ही है। ठीक है, जिस रूट से अपन लोग आए हैं उसी रूट के फल हैं ये। तो अगर कोई भी फल में कीड़ा लग जाएगा तो पूरा पेड़ ही गिरेगा, पूरा पेड़ क्या माने तो इंडिया गिरेगा। तो दिल्ली में कोई भी बैठे, चाहे इसके गांधी परिवार बैठे या BJP बैठे या आम आदमी पार्टी बैठे या समाजवादी पार्टी बैठे, इससे NRI को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। बिकॉज मैंने शुरू से एक बात कही है दैट वी आर नॉट रिगार्डेड इन अमेरिका एज यू नो कि हम इस कांग्रेस के हिंदू हैं या भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान हैं या समाजवादी पार्टी के मुसलमान हैं, हमें सब लोग यहाँ पे इंडियंस के नाम से जानते हैं। तो वहाँ की आइडियोलॉजी अगर आप लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो आने वाले वक्त में मेरे हिसाब से 15-20 साल के अंदर अंदर यहाँ पे भी तूफान आएगा और अपने देश की इज्जत खराब होगी। जब यहाँ पे सोचिए झगड़े हो जाएं हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच में, तो क्या होने वाला है, सब जेल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी ना ऐसे कानून चलता है कि यहाँ पे पुलिस खड़ी है और पुलिस वाले आपको पत्थर दे देंगे, आप उनके ऊपर पत्थर मारिए दूसरी कौम के ऊपर, ऐसा तो नहीं होने वाला। ये लोग तो कुछ नहीं देखने वाले, ये लोग सिर्फ अंदर कर देंगे उठा के, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, इनको कोई परवाह नहीं है। द लॉ ऑफ द लैंड वर्क्स हियर, वहां पे क्या कर रही है अभी वर्दी काम कर रही है, लॉ नहीं काम कर रहा है। यू नो दैट्स अ मेजर बिग ह्यूज डिफरेंस। सो वी मस्ट ऑल रियलाइज, आई होप सो ये मेरा आखिरी वीडियो हो, यू नो जितने भी NRI को अपील करने के लिए कि जो गलत हुआ है उसको गलत बोलना सीख जाइए, जो काला है वो काला है और जो सफेद है वो सफेद है। और अगर आप ये समझते हैं कि वहां के जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन है 14%, वो इतनी बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है दूसरे के ऊपर यू नो जैसे इफेक्टिव हो जाएगी, तो गलत है। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि आप लोग भी इंडिया में कहते हैं इसके अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके शिकार हो चुके हैं आप लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के
और जो मीडिया है, जो कि एक तरह से गोदी मीडिया बोलते हैं इंडिया में उसको, उसके आप भी शिकार हो चुके हैं। खुद जाते हैं आप लोग इंडिया, खुद देखिए वहाँ पे गरीबी आप भी देखते हैं, यू नो सब आपके सामने है, क्या हुआ है 6-7 साल में वो भी देखते हैं आप, और पिछले 40 साल में क्या हुआ है इंडिया में वो सब आप देखते हैं। जो भी आप लोग आज की तारीख में मेरा वीडियो सुनते हैं, वो जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, वो सब जो भी इसके पहले की पार्टीज थी उन्होंने बनाया था। आज की पार्टी ने तो देखा जाए तो यहाँ पे तो आपको पता है ना, हर जगह इतनी सारी लाइब्रेरीज है। आज की जो गवर्नमेंट है वो तो एक इंटरनेशनल क्लास की लाइब्रेरी भी नहीं खोल पाई है अभी तक इंडिया में। सो यू कैन बिलीव वॉट यू आर बिलीविंग इन, बट एंड ऑफ द डे योर बिलीफ इज रॉन्ग एंड इज गोइंग टू हार्म योर चिल्ड्रन। इट हो सकता है आपको हार्म नहीं करे अभी, मगर बाद में आपके बच्चों को जरूर हार्म करेगी, जब आपके बच्चे खुद ही बोलेंगे कि हमें इंडिया नहीं जाना है। क्योंकि वो लोग भी देखते हैं, वो लोग भी याहू पे न्यूज़ देखते हैं, वो लोग भी BBC देखते हैं, CNN देखते हैं, हो सकता है आज तक नहीं देखते हों, NDTV नहीं देखते हों, मगर CNN, BBC में सब चीज़ आ रही है इंडिया की। एंड रेस्ट बी अश्योर्ड कि आपके बच्चों को सब पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, एंड देर गोन टू फील स्केयर गोइंग टू इंडिया, एंड देर गोन टू से यू नो देमसेल्फ इंडिया नहीं जाना इस बार, ऐसा करते हैं लंदन चलते हैं, वहाँ पे घूम के आ जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, मगर इंडिया नहीं जाएंगे। और आपको भी डर लगेगा अगर आपकी बेटी हो यू नो, तो आपको वहाँ पे दिल्ली में छोड़ने में डर लगेगा कि बेटी बोलेगी आज मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, शाम को पार्टीज में जाना है, या वहाँ पे मूवी देखने जाता है। आई एम श्योर कि जिस युग में आप लोग बड़े हुए थे आप लोगों को डर नहीं लगता था, मगर आज की तारीख में अपने बच्चों को भेजने में आपको डर लगेगा, और ये डर ही इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने झूठ को झूठ नहीं बोला और सच को सच नहीं बोला। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, वी आर अगेंस्ट व्हाट इज रॉन्ग इन इंडिया। ठीक है, आज की जो सरकार है उसको ब्लेम करते हैं, जैसे आप लोग आज की सरकार यहाँ पे ट्रंप को ब्लेम करते हैं, या पहले आप लोग बुश को ब्लेम करते थे, ओबामा को ब्लेम करते थे, आप लोग ये नहीं करते थे कि अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं, राइट? तो उस तरह ही सेम वे आज जो गलत हो रहा है आप उसको ब्लेम करिए। मैं नहीं बोल रहा कि आज की सरकार में गलती है, पहले की सरकार में गलती है, जो गलती है वो गलती है, जो पिछले 60 साल में किया गया इंडिया में वो भी आपके सामने, और पिछले 6 ईयर्स में जो इंडिया में किया गया वो भी आपके सामने है। ठीक है ना, तो एंड यू पीपल ऑल यू नो इन दिस एजुकेटेड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट, जस्ट ट्राइंग टू फोर्स यू नो वहाँ पे समथिंग की वहाँ तो मूल्य है, ये कर देंगे, कब्जा हो जाएगा देश में, ये आप लोगों की बेवकूफ़ी बातें हैं। कोई अब देश में कब्जा होने नहीं वाला किसी मुसलमानों का, हिंदुओं के भी बड़े बच्चे होते थे 1940 से लेकर 60 तक, हर एक परिवार में 6 से 8 बच्चे होते थे। ठीक है, तो अगर हुई है ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की तो हिंदुओं में हुई है ग्रोथ। रिमेंबर वेन वी गॉट इंडिपेंडेंट हाउ मच वॉज द पॉपुलेशन, टूडे हाउ मच इज द पॉपुलेशन, कैलकुलेट यू नो लाइक वाइज कितने हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी है। आप लोगों को भी पता है उधर क्या होता है दलितों के साथ, इतना शेमफुल है। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं किसी को बाहर निकलने के लिए, रेस्टोरेंट में किसी को रोक सकते हैं, मंदिर में जाने में किसी को रोक सकते हैं, यहाँ पे मतलब किसी की भी चीज के लिए किसी को रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट है इन लोगों को जितने भी हैं। वहाँ पे दलितों के ऊपर क्या होता है कभी बोला है आप लोगों ने? कभी नहीं बोला। बेचारे दलित को वहाँ पे पानी नहीं पीने देते, मंदिर नहीं जाने देते, अपने लोगों को इस बात में शर्म आनी चाहिए। वी हैव टू हेल्प इंडिया टू बिकम यू नो इन द सेंस एम्पावर्ड बाय यू नो वहाँ पे जितने भी सोशल नॉर्म्स है उसमें एम्पावरमेंट चाहिए इंडिया को। वी डोंट वॉन्ट टू एम्पावर एनी गवर्नमेंट, वी नीड टू एम्पावर द सोशल। जब तक आप सोसाइटी को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक कोई गवर्नमेंट सही नहीं आने वाली आपकी, एंड यू गोना लूज इंडिया। यू नो रेस्ट बी अश्योर्ड विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ योर्स। यू नो इफ दे रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर रिलीजन। हर एक रिलीजन में गलत लोग होते हैं, इसका मतलब नहीं पूरा रिलीजन खराब हो जाता है, नहीं होता। हिंदुओं में भी पता है कितने गलत लोग हैं, सबको पता है। ठीक है, मगर इसका मतलब नहीं हिंदुइज्म गलत है। सारे मुसलमान जितने भी अमेरिका में रहते हैं, किसी ने अटैक किया है क्या आपके ऊपर आज तक? जो वहाँ के मुसलमान को आप लोग ब्लेम करते हैं, और क्यों मिक्स करते हैं मुसलमानों को अपने देश के मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमानों को? पाकिस्तान के मुसलमानों से क्या मतलब है हमारे को? कोई मतलब नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने के मुसलमान से मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान से मतलब है कि हमारा भाई है। बड़ी सीधी सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, दिमाग में एक बार ही फिट कर लीजिए। बट ऐसा है कि डबल गेम मत खेलिए। जो पहन लेते ना मुखोटा पहन लेते, एकदम से मुखोटा पहन लिया हिंदुइज्म का, हिम्मत करिए। मैं भी जाता हूँ कितने हिंदू क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये सब बातें ना करें। कितना करप्शन है हिंदुओं में सबको पता है, कितने हिंदुओं ने आज की तारीख में हिंदुस्तान से जितना भी पैसा बाहर गया है वो कौन लेके गया है? वो सारे हिंदू लेके गए, जितने करप्ट है सारे हिंदू है। ठीक है, माल्या हो, नीरव हो, कोई भी हो, तो जो पैसा लूट रहा है वो बदमाश है, या जो बेचारा वहां पे छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो बदमाश है? थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और अपील करिए वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि उनको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए सब चीजें बंद होने के लिए। इमीडिएट इफेक्ट से कि इंडिया का नाम खराब हो रहा है पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।